जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी धरना प्रदर्शन। जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी धरना एक वर्ष से भी अधिक समय तक जारी है। बीते 8 दिसंबर 2023 को धरने का 438वां दिन रहा। धरने में कई साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं धरने की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान शिव चरण जी ने किया। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल द्वारा जारी धरना बीते एक वर्ष से अधिक समय तक जारी है। बीते 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को धरने का 438वां दिन रहा, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। 8 दिसंबर को जारी धरने की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान शिव चरण जी ने किया। शिव चरण जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्व कर्मचारी संघ के सभी साथी प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जन शिक्षा अधिकार मंच की मांगों का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि हमारा किसी सरकार का विरोध करना ही मकसद नहीं है, बल्कि जनहित में नीतियां निर्माण करवाना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं और संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं, और इसलिए सरकार से आग्रह करते हैं कि मौजूदा सरकार संविधान को महत्व दे। लेकिन सरकार संविधान का बखान तो कर रही है, लेकिन संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही। धरने में उपस्थित जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल के संयोजक जय प्रकाश शास्त्री ने कहा कि हमने जन शिक्षा अधिकार मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया है। अब शिक्षा के सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए और उत्पीड़न की कार्रवाई को वापस लेने हेतु जन शिक्षा अधिकार मंच के बैनर तले शनिवार यानी 9 दिसंबर की सुबह 10 बजे हनुमान वाटिका में धरना प्रदर्शन हेतु इकट्ठे होंगे, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्माण दिवस मनाया जाएगा तथा एक सभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कई पार्टी व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी, जय संविधान, जय भारत।